हाँ वापस बोलिए सर, आप वापस बोलिए। हाँ वापस बोलिए ना, एक बार ना। अब क्या बोले, दोबारा बोलता हूँ। हाँ, नागपुरी टूर्स एंड ट्रेवल्स से मैं भूपेंद्र जैन, ये हमारे साथ में अभी केसरिया जी का ग्रुप है, सब मेंबर केसरिया जी के, ये केसरिया जी उदयपुर के, अभी हम इनके अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे। हाँ मैडम बताइए, कैसा लगा आपको नागपुर टूर्स एंड ट्रेवल्स का ग्रुप? मैं नैना दोषी उदयपुर से, खाने की, ठहरने की, मस्ती की, मौज की अगर आपको वास्तव में जरूरत है और आपको लगता है कि हमें अपना टूर बहुत अच्छे से करना है और आपको जैन फूड खाना है, बनाने की टेंशन नहीं रखनी है, कुछ भी नहीं सोचना है कि कहाँ ठहरेंगे, कैसे ठहरेंगे, तो नागपुरी टूर एंड ट्रेवल्स को जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी प्लीज आप एक बार वापस बोल दीजिए, वो बराबर हुआ नहीं था। अभी दूसरा बोलिए बोलिए, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे पापा मिले, मुझे बताया कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि हम रहेंगे कहाँ पे, खाएंगे क्या। पर पहले दिन जब हमने व्यवस्था देखी और खाना खाया, तब हम सेटिस्फाई हो गए थे कि अब हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेजिडेंट भूपेंद्र भाई, नागमणि फॉरेस्ट का टूर्स की कहने की बात क्या है, जो इससे जुड़ेगा वो आगे से आगे जुड़ता ही जाएगा। और भूपेंद्र भाई का तो किसी चीज में ना तो कभी सुना ही नहीं उनके मुंह से, हर चीज में हाँ, कभी भी ना, जो जो किसी भी चीज में जो डिमांड करी उन्होंने हाथों फुल भी करी। धन्यवाद। मैं रविंद्र दोषी उदयपुर से, सभी को जय जिनेन्द्र। हमने जैसे नागमणि टूर्स एंड ट्रेवल्स को ज्वाइन किया, हमने यात्रा में भरपूर आनंद लिया सभी जगह पे, और सबसे बड़ी बात भूपेंद्र भाई का चेहरा देख लो, हंसता मुस्कुराता चेहरा, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार का, कोई गुस्सा नहीं, और सभी को आनंद आ गया यात्रा। अभी बहुत 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 धन्यवाद आपका। पैकेज हो तो टूर एंड ट्रेवल, नागमणि टूर एंड ट्रेवल जैसा, और साथ हो तो भूपेंद्र भाई जैसा। आप बताइए, बताइए आप बताइए, बोलो कुछ नहीं, जो शॉर्ट एंड स्वीट। आंटी जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपको कैसा लगा? अंजना जैन ऋषभ से, आपका टूर बहुत अच्छा लगा, खाने की व्यवस्था बहुत 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 आनंद आया, बहुत। ये अंकल जी केसरिया जी से है और हमारे गांव अठोड़ा में रह चुके हैं, ये अपना अनुभव बताएंगे हमारे साथ में कैसा लगा। बड़ी ग्रुप, बहुत बढ़िया ग्रुप है, जो भी इसके साथ जाए वो बार बार जाने की कोशिश करेगा, इसलिए आप जरूर इस ग्रुप में जाने, एक बार इनको मौका देवे, हर तरह की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जय जी भैया, कैसा लगा आपको? आप कहाँ से? उदयपुर से हो? उदयपुर से है, मदन दोषी नाम है। बहुत अच्छा लगा, मतलब हमको ये था कि हम बच्चे लोग मजे नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमको फुल एंजॉयमेंट मिला, खाना वगैरह सब बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया हम लोग को। थैंक यू। देवन जी बोली की है, तुम्हें बोलो सेव लागो इनकी अवस्था में। मैं अपने बच्चों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने नागपुर बहुत अच्छा किया, आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई है बच्चे। हाँ बोलिए 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 बोलिए, कुछ तो बोलिए, संपत्ति की वाइफ हो हमारे यहाँ, इनके सोने की व्यवस्था अच्छी थी, संपत्ति की भूपेंद्र भाई की। आपके अनुभव, आपकी फीलिंग्स कैसा लगा आपको? बस बहुत अच्छा था, हम निकले पहले दिन हमको खाना मिला, उससे पता चल गया कि आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी लास्ट तक, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन से ही मालूम पड़ गया। फर्स्ट इम्प्रेशन से ही पता चला, हमारे बच्चों ने कह दिया मम्मा पास। अभी गुणवत्ता जी अपने अनुभव शेयर करेंगे, एक बार कर चुके, एक बार और करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है हर तरह से, मतलब भूपेंद्र भाई को बोला ये पकौड़ी चाहिए, आज मौसम अच्छा है तो उन्होंने दिए, और चाय की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था बहुत बढ़िया, और उनका चेहरा हंसमुख है, बस उससे ही हमारा आधा तो काम खत्म हो जाता है। और व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को पकौड़ी चाहिए थी, इन्होंने शाम को पकौड़ी दे दी, मेरे को बहुत अच्छा लगा।